Good evening, sir. Good evening. Pranam, sir. What's wrong? Pranam, sir. No, sir. What's wrong here? Pranam, sir. Sir. Khusrao, khusrao. गुरुजी प्रणाम खुश रहो चेहरा ढके हुए हो प्रणाम कर रहे हो उमेश चंद्र मोबाइल पर से हाथ हटाओ मोबाइल पर से नहीं सर मेरा चेहरा वीडियो ऑन है तुम्हारा चेहरा नहीं दिखलाई रहा है सर मेरा हाँ सर यहाँ वीडियो ऑन है अरे हाथ हटाइए ना मोबाइल पर से हाथ हटाइए मोबाइल को पकड़े हुए हैं आप उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है सर वो रुका हुआ है उसी पर रुक गया लगता है जैसे वो हाथ से ढका है वो नेटवर्क उसका सर दिखाई दिया इंसिडेंट सब लोग पढ़ लिए हैं ना इंसिडेंट सब टैक्स पढ़ाई हो गया है इंसिडेंट शिफ्टिंग हाँ सर सर फिस्कल पॉलिसी हुआ है नहीं सर नहीं नहीं सर नहीं हुआ है बता दीजिए फिस्कल पॉलिसी लिखिए राजकोषीय नीति उमेश चंद्र आप तुम्हारा आ रहा है चेहरा उमेश चंद्र का तस्वीर आ रहा है और फिर छूछा कर दिए उतना छूछा नहीं करो जो चेहरा है वही ना आएगा सर चेहरा नहीं छू रहे हैं तो क्या छू रहे हो जो इतना अच्छा चेहरा आ रहा था बदल दी आ रहा है गुरुजी और कुछ नहीं आ रहा है या तो चेहरा ढके हुए हो या मोबाइल ढके हुए हो राजकोषीय नीति को बजटीय नीति कहा जाता है राजकोषीय नीति बजटीय नीति कहा जाता है अब आ रहा है अब छूछा नहीं करोगे तुम्हारा चेहरा आ रहा है नॉर्मल रहोगे चेहरा नॉर्मल आएगा लिखो राजकोषीय नीति को बजटीय नीति कहते हैं
देश में प्रतिवर्ष जो बजट पेश किया जाता है उसी को फिस्कल कहा जाता है। जो बजट पेश किया जाता है उसी को फिस्कल कहा जाता है। प्रणाम सर। खुश रहो खुश रहो। जो बजट पेश किया जाता है उसको फिस्कल कहा जाता है। राजकोष। प्रियंका हेमंत दोनों कीजिए ये म्यूट कीजिए। राजकोषीय नीति वह नीति है जो अर्थव्यवस्था में साधनों का आवंटन करता है साधनों का वितरण करता है और अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता बनाए रखता है। Objectives of fiscal objective of fiscal policy objective of fiscal policy राजकोषीय राजकोषीय नीति का उद्देश्य राजकोषीय नीति का उद्देश्य राजकोषीय नीति के तीन शाखाएं एलोकेशन ब्रांच डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांच एलोकेशन ब्रांच डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांच स्टेबिलाइजेशन ब्रांच
Bantan Sakha. Vitran Sakha. Sri Karan Sri Karan Sakha Sri Karan Sakha Rajkoshiya Niti jo hai ka pehla sakha hai Abantan Sakha दूसरा है वितरण शाखा तीसरा है स्थिरीकरण शाखा लिख लिए जी सर हां सर राजकोषीय नीति वह नीति है सरकार प्रतिवर्ष अपने बजट के द्वारा संपूर्ण देश में एक साथ लागू करती है राजकोषीय अस्त्र राजकोषीय अस्त्र है करारोपण सार्वजनिक व्यय एवं सार्वजनिक ऋण एवं बजट बजट इत्यादि राजकोषीय नीति वह नीति है जो सरकार प्रतिवर्ष अपने बजट के द्वारा संपूर्ण देश में एक साथ लागू करती है राजकोषीय लागू करती है राजकोषीय अस्त्र है करारोपण सार्वजनिक व्यय सार्वजनिक ऋण एवं बजट इत्यादि लिख लिए जी सर जी गुरु जी Thank you.
सार्वजनिक नीति का उद्देश्य का सबसे पहला है आर्थिक विकास के लिए सभी क्षेत्रों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराती है। कररोपण से प्राप्त राजस्व का बजट के माध्यम से कररोपण से प्राप्त राजस्व का बजट के माध्यम से बजट के माध्यम से करारोपण से प्राप्त राजस्व को बजट के माध्यम से विभिन्न राज्यों एवं केंद्र प्रशासित राज्यों को केंद्र प्रशासित प्रशासित राज्यों को राजस्व का आवंटन करती लिख लिए जी सर अर्थव्यवस्था में आय के अर्थव्यवस्था में आय के वितरण की विषमता अर्थव्यवस्था में आय के वितरण की विषमता को घटाने का लगातार प्रयत्न करती है
राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था में रोजगार में वृद्धि तथा पूर्ण रोजगार की प्राप्ति का प्रयत्न करते रहती है। राजकोषीय नीति का उद्देश्य देश के भीतर देश के भीतर विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय विषमता में कमी करने का प्रयास करती है। पिछड़े हुए इलाकों में सार्वजनिक व्यय अधिक करने का क्षेत्रीय विषमता में कमी करने का प्रयास करती है। पिछड़े हुए इलाकों में सार्वजनिक व्यय अधिक करने का प्रयास करती है। कैमरा पॉइंट है सर पांचवा। अरे वहीं पर निकाल लो, वहीं निकाल लो, करी कॉपी। राजकोषीय नीति के द्वारा
देश के सभी राज्यों एवं केंद्र प्रशासित क्षेत्रों में वित्त का प्रवाह लगातार करती है सभी जगहों से राजस्व वसूल कर थैंक यू सभी जगहों से राजस्व वसूल कर उसे विभिन्न क्षेत्रों एवं राज्यों में वितरित करती है गरीबी निवारण के लिए विशेष प्रयास सार्वजनिक व्यय अग्निक व्यय के द्वारा केंद्र एवं राज्य के राजकोषीय नीति द्वारा किया जाता है देश में मुद्रास्फीति या मुद्रा अवस्फीति देश में मुद्रास्फीति या मुद्रा अवस्फीति यानी
लिख लिए जी सर देश से मुद्रा स्फीति है मुद्रा अविस्फीति यानी पर इसके समाधान के लिए सार्वजनिक व्यय में कमी या वृद्धि किया जाता है ये Q1 जो है ये समझिए फुल रोजगार उत्पादन पूर्ण रोजगार उत्पादन है ये जो है Q0 ये इच्छित उत्पादन है इच्छित उत्पादन का मतलब डिजायर्ड ये है एक्चुअल डिजायर्ड ये जो है डिमांड है D0 ये भी है डिजायर्ड इच्छित मान इच्छित मांग Q1 Q0 D0 बना लिए जी तो हम लोग देख रहे हैं कि क्रॉस जो है राइट साइड है Q0 D0 का क्रॉस क्या है राइट साइड है राइट साइड क्रॉस करके इस दोनों के बीच में एक लकीर खींचेंगे तो ये हो गया आपको D0 ये हो गया Q1 ये हो गया Q0 इसका मतलब क्या हो गया कि Q1 से बड़ा है D0 D0 जो है Q1 से बड़ा है और Q0 भी जो है सो Q1 से बड़ा है D0 भी Q1 से बड़ा है Q0 भी Q1 से बड़ा है मतलब देश में मुद्रा स्फीति हो जाएगा मुद्रा स्फीति क्या हो जाएगा मुद्रा स्फीति हो जाएगा क्योंकि
जो हो सकता है एक्चुअल वो यहाँ है, आप आगे हुए हैं कहाँ पर, होना चाहिए, होना चाहिए पी बाई डब्ल्यू ए, लेकिन आपका यहाँ बी है और यहाँ क्या है सी है, दोनों ज्यादा है। फुल रोजगार है आपको Q1, आप खरीदना चाह रहे हैं D0, उससे ज्यादा 100 मकान है या 150 आदमी उसको लेना चाह रहा है, तो इच्छित इच्छित मैंने डिजायर्ड, इच्छित उत्पादन इच्छित मांग और एक्चुअल वास्तविक उत्पादन। वास्तविक उत्पादन चित्र बना लिए हैं? हाँ सर। जी सर। सब आदमी बना लिए ना? जी। अब देखिए नियम जान लीजिए कि Q0 से बड़ा अगर D0 कीजिएगा, Q0 से बड़ा कीजिएगा Q1, Q1 से बड़ा कीजिएगा, म्यूट करो म्यूट करो, Q1 से बड़ा कीजिएगा D0 और Q1 से बड़ा कीजिएगा Q0, तो देश में एक्सेस एक्सेस मान वस्तु बाजार तथा साधन बाजार होगा और इससे देश में मुद्रा स्फीति मुद्रा स्फीति का जन्म होगा। इसका ट्रिक बता दिया आपको कि पहले आराम से Q1 खींच लीजिए, तब उसके बाद Q0 खींचिए, तब उसके बाद D0 खींचिए, और ये दोनों का जो क्रॉस है इस क्रॉस के थोड़ा सा ऊपर से एक लकीर खींच दीजिए, इसका नाम दे दीजिए P/W, प्राइस बाई वेज। देखिए यही हो गया ए, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, इच्छा कीजिए मन में, इच्छा करने से कोई रोकेगा नहीं आपको, लेकिन इस लाइन पर ए लाइन पर क्या हो जाएगा, Q1 बराबर Q0 बराबर D0, इस बिंदु पर। इसको प्राप्त करने के लिए सरकार क्या करेगी राजकोषीय नीति में कि उत्पादक पर कर लगा देगी, बायर पर भी कर लगा देगी, सब कहां आ गया, ये पर आ गया,
डिमांड में टी लगाएंगे तो नीचे खिसक जाएगा, आपूर्ति पट्टी लगाएंगे तो वो भी कम हो जाएगा, कम होना माने ऊपर खिसकना, तो दोनों घट गया, इच्छित मांग भी घट गया, इच्छित उत्पादन भी घट गया। और सी उठ के आ गया ए पर, और बी उठ करके आ गया ए पर, इसलिए क्यू वन बराबर क्यू जीरो बराबर डी जीरो हो गया। इसका मतलब हो गया सरकार कर लगाकर क्यू जीरो बराबर क्यू वन बराबर डी जीरो करती है। राजकोषीय नीति के द्वारा यह किया जाता है। चित्र बना लिए? जी सर। इस तरह से खींचना है कि डी जीरो वाला खिसक के ए पर आ जाए, और क्यू जीरो वाला भी खिसक के टैक्स के बाद ए पर आ जाए, तो कटिंग दोनों का ए पर होगा, और क्यू वन तो लंबवत है, तो हम लोग को मिल जाएगा क्यू जीरो बराबर क्यू वन बराबर डी जीरो। तो क्यू वन बराबर यहाँ टी लगा दीजिए, क्यू जीरो टी बराबर क्यू वन बराबर डी जीरो टी, कर लगा के सरकार करती है। और मुद्रा अविस्फीति होगा, इसका उल्टा करेगी, कर को घटा देगी, कर को कम कर देगी, कर को हटा देगी। इस तरह से राजकोषीय नीति के द्वारा अधिक से अधिक कर लगाकर गैप जो है, एक्सेस जो है, उसको दूर किया जाता है। एक्सेस मांग वस्तु, एक्सेस बाजार वस्तु, एक्सेस साधन बाजार, देश में मुद्रा स्फीति का अगर जन्म होगा तो उसका कारण है कि एक्सेस मांग है वस्तु बाजार में, एक्सेस मांग है साधन बाजार में, और उसको फूला हुआ जो बैलून है उसको कम करने के लिए उसमें पिन मार देगी, पिन जो मारेगी वो कर होगा, टैक्स होगा। जैसे ही वस्तु बाजार में कर लगेगा तो मांग की रेखा घटेगी, साधन बाजार में कर लगेगा तो उत्पादन की इच्छित उत्पादन की रेखा घटेगी, और तब इच्छित उत्पादन, इच्छित मांग और एक्चुअल मांग क्यू वन, वो तीनों बराबर हो जाएगा, क्यू वन बराबर क्यू जीरो बराबर डी जीरो। इसी स्थिति को हम लोग कंक्लूड करेंगे कि राजकोषीय नीति के द्वारा हर हालत में टैक्स लगाकर साधन बाजार में, वस्तु बाजार में, वीडियो ऑन कीजिए, साधन बाजार में, वस्तु बाजार में, हर बाजार में, साधन बाजार में, वस्तु बाजार में, सभी बाजार में
नवनीत का रोशनी देखिए राजकोषीय नीति लगा दिया, बत्ती चला गया तो टॉर्च जला दिया है। तो उसी तरीके से मुद्रा स्फीति को दूर करने के लिए एक्सेस डिमांड और एक्सेस उत्पादन दोनों को दूर करने के लिए टैक्स लगाया जाएगा, और टैक्स इस प्रकार से लगाएंगे कि क्यू जीरो उठ करके आ जाएगा, डी जीरो उठ करके आ जाएगा और एक ऐसे बिंदु पर आ जाएगा जहां की क्यू वन बराबर क्यू जीरो बराबर डी जीरो की प्राप्ति होती है। इसी को हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। इंस्ट्रूमेंट्स में इसका करारोपण सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट, दूसरा इंस्ट्रूमेंट है सार्वजनिक व्यय, और तीसरा है ऋण लेना, चौथा है नोट छाप करके खर्च बढ़ाना। तो ये सब उसका अस्त्र है, इस अस्त्र का प्रयोग करेगी। दैट्स ऑल, एंड ऑफ द मीटिंग। थैंक यू गुरुजी, प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। थैंक यू, थैंक यू।